अच्छा, आज मैं ना आपको स्टोरी सुनाती हूँ जो हम लोग जब छोटे छोटे होते थे ना, तो छोटे छोटे से मतलब जब आपकी एज में थे या आपसे थोड़े बड़े थे, तो तब हमारी क्लास में ना उर्दू बी का एक सब्जेक्ट होता था, तो उसमें ये स्टोरी जो थी ना तब हमें मतलब हमारे सब्जेक्ट में थी, सिलेबस में थी कि आपने ये सिलेबस में कवर करनी है, तो वो मुझे याद आया उस दिन मैंने कहीं पे देखा, तो मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी बेटी को ये सुनाई नहीं है, हो सकता है आप आगे जाओ ना नेक्स्ट क्लासेस में मूव होती जाओगी, तो जब प्रमोशन होती जाएगी आपकी तो आप नेक्स्ट क्लास में चली जाओगी ना, तो फिर आपको शायद ये वाली स्टोरी लगाएं। अच्छा फिर क्या इस स्टोरी का जो टॉपिक है वो एंड में मैं आपको बताऊंगी, तो आपने खुद भी सजेस्ट करने की ना या आपने खुद ही आइडिया करने की कोशिश करनी है कि आइडिया लगाना है कि क्या है इसका लेसन क्या। ठीक है अच्छा जी, एक ना जंगल में ना एक ना वो रहता है लाइन, और लाइन आपको पता है जंगल का बादशाह होता है, लेकिन जो लाइन होता ना टाइगर नहीं होता, जो लाइन होता है ना वो चाहता है कि उसके सारे जो है ना उसको फॉलो करें, सारे ना उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको पता है ना जंगल में हो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो ज़्यादा लोग हो तो वो डर जाता है। तो ये मामा का स्टोरी सुनाएंगे, सुन लेना आप। अच्छा तो वो ना बड़ा पावरफुल होता है, सारे उससे बड़ा ज़्यादा डरते हैं, तो ना उसका जब दिल करता है वो जिस मर्जी जानवर को ना वो शिकार कर लेता है और उसको खा लेता है। तो एक दिन ना वो गुजर रहा होता है तो ना देखता है कि वहाँ पे ना चार काऊ होती हैं, जो चार काऊ होती हैं ना उनकी दोस्ती होती है बड़ी ज़्यादा, वो ना घूम रही होती हैं ग्रास जो है ना वो खा रही होती हैं, आपको पता है ना काऊ जो है वो ग्रास खाती है, तो वो ना नुक्ते भी खाती हैं। नुक्ते वो क्या होता है? छोटे छोटे डॉट, छोटे छोटे डॉट, हाँ वो भी खाती है मामा लाने। मैंने मुझे तो नहीं पता, मैंने मामा फिर भी सुनाई ना। अच्छा जी वो नहीं खाती, सुना रही हूँ ना सुना रही हूँ, एक मिनट मुझे अब सुनाने दो अंदर, फिर क्वेश्चन पुट कर लेना। तो वो ना कौन भी शायद खाती होंगी, तो ना वो जब चार काओ को देखता है ना लाइन, तो उसके मुंह में पानी आ जाता, कहता वाओ इतनी मोटी और इतनी प्यारी और इतनी हेल्दी काओ, कभी मैं इनको खा लूँ ना तो मुझे तो मज़ा ही आ जाए। तो ना कहता है मैं क्या करूँ, ये अकेली अकेली मुझे कहीं मिले ना तो मैं इन अकेली अकेली का शिकार करूं और इनको मामा जब चार का होती है तो वो उन पे हमला कर लेते हैं। वो एक जानवर पे कर सकता है ना, अब ज्यादा जानवर पे तो नहीं ना वो हमला कर सकता। अच्छा। अगर जानवर ज्यादा पे करेगा तो फिर दूसरे जानवर जो है वो फिर उसके साथ वो भी कर सकते हैं ना, कंपटीशन भी कर सकते हैं, उसको डर होता है ना कि अगर मैं इन चार काओ को ना तो मामा फिर क्या होता है। अच्छा बता दें हाँ। तो ना वो ना काओ के पास जाने लगता है हाँ। तो ना उसके जहन में एकदम आइडिया आता है हाँ। कि मैं अगर इनके पास जाऊंगा तो ये कहीं मेरे पे हमला ना कर दें हाँ। कहता चलो फिर किसी दिन हाँ। तो अगले दिन ना वो फिर गुजर रहा होता है हाँ। तो फिर उसको वो काओ जो है ना वो नज़र आती हैं, लेकिन आज फिर वो चारों होती हैं इकट्ठी होती हैं। कहता यार ये लैदा पता नहीं क्यों नहीं होती, हर वक्त देखो तो इकट्ठी घूमती रहती हैं और इकट्ठी खाती रहती हैं। तो कहता चलो फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इनको कर लूँगा वो शिकार कर लूँगा, तो ना कभी तो मेरे हाथ आएंगी ना। तो इसी तरह थर्ड फोर्थ टाइम वो फिर उनको देखता है, तो वो फिर जो है ना वो जनाब वो फिर इकट्ठी होती हैं, एक ही जगह होती हैं, कोई लैदा नहीं होती। वो ना फिर लूमड़ी को बुलाता है, कहता है लूमड़ी बेगम आप ज़रा मेरी बात तो सुनिए। लूमड़ी डर जाती है कहीं लाइन ने मुझे खाना तो नहीं है। कहता है नहीं नहीं मैंने आपको खाना नहीं है, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। लूमड़ी कहती है मेरे से बात पूछनी है? कहता हाँ मैंने एक बात पूछनी है, आपने फटाफट मेरी बात सुनी है आके। तो
लोमड़ी कहती है अच्छा जाता है, जाती है लोमड़ी उसके पास, तो कहती है लोमड़ी लोमड़ी बेगम मैंने देखा कि आजकल एक वो पहाड़ी के ऊपर चार काओ जो है वो बड़ा घूम रही होती हैं, और जब देखो वो इकट्ठी होती हैं, कभी वो लैदा नहीं होती हैं अभी। काओ वो लोमड़ी कहती है वो जो चार मोटी मोटी गाय हैं काओ हैं, वो कहते हैं हाँ चार हैं और मोटी मोटी हैं। उसको ख्याल में आता है कि मैं उनको एक एक को खा रहा हूँ, कहते हैं लाइन 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 भाई लाइन भाई, वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक तो हेल्दी भी हैं और बहुत ज़्यादा वो पावरफुल भी हैं। वो कहता है मेरे से पावरफुल कौन हो सकता है लोमड़ी, ये किस तरह की बातें कर रही हो? कह रही है मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई बड़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। कहते वो कैसे? कहते एक तो वो रहती इकट्ठी हैं, वो लैदा होती ही नहीं है, और जब भी उनके साथ कोई लड़ने की कोशिश करता है ना वो चारों इकट्ठी लड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर उनके उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है, उनका ग्रुप है, वो जहाँ भी जाती हैं ना वो इकट्ठी जाती हैं, खाना खाने जाती हैं, वॉशरूम करने जाती हैं, या सोती हैं तो वो इकट्ठी सोती हैं, नहाती हैं तो वो इकट्ठी नहाती हैं, वो हर काम इकट्ठा करती हैं, तो उनकी और किसी से दोस्ती नहीं है, वो आपस में चारों बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और से बात करने की। तो लाइन कहता है यार अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल कह रहा है मैं उनको खाऊँ। तो लोमड़ी कहती है लाइन भाई अब यहाँ पर तो आप भूल ही जाएँ कि आप उनका शिकार करेंगे। कहता है लोमड़ी ये कैसे हो सकता है? कहती है नहीं आप ना आप भूल जाएं, क्योंकि वो जो चारों काओ है ना वो बड़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है आपस में, वो नहीं लड़ती कभी भी, मैंने उनको कभी लड़ते देखा ही नहीं है, और जब भी हम में से कोई उनके साथ कंपटीशन करने शुरू हो जाए ना कि हम आपकी वादी में आ जाएं हम आपकी पहाड़ी पे आ जाएं, तो वो चारों इकट्ठी होके तो इतनी ज़ोर से पीछे पीछे भागती हैं, तो फिर हम सबको तो डर ही लग जाता है, अब कोई सोचता भी नहीं है कि उनकी तरफ जाएगा, तब मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं। कहता लोमड़ी कोई तो आइडिया होगा तुम्हारे जहन में जो उनको इस तरह से मुझे अलहदा अलहदा वो मिले ना तो मैं चारों का शिकार कर लूँ। लोमड़ी कहती है तो इसके बदले में आप मुझे क्या कहें देंगे? लाइन सोचता है बहुत ज़्यादा सोचता है। कहता है ऐसे करते हैं कि आप ना आप ऐसा करें कि एक तो मैं उन गाय को अगर शिकार कर लिया तो उनका जो गोश्त है जो होगा उनका गोश्त वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा, दूसरे नंबर पे मैं सब जानवर को खा लूँगा, लेकिन आपके साथ मैं वादा करता हूँ एक लाइन का वादा है कि ये लाइन जो है ना आपको कभी नहीं खाएगा, और आप मेरी जो है ना अच्छी फ्रेंड भी थोड़ी सी हो जाओगी। तो मैं आपको देखे मैंने अभी आपको खाया, वो हैरान होती है कहती नहीं, कहता अच्छा फिर मैं आपको एक दिन का टाइम देता हूँ आप सोचो और मुझे कोई आइडिया इस तरह का बताओ जिससे मैं ऑनलाइन को उन काओ को ना उनको शिकार करूँ, बस मेरा आजकल बड़ा दिल आया हुआ है कि मैं उनको बस खा लूँ। कहती अच्छा चले आप मुझे एक दिन का टाइम दें। तो कहता है ये बात ना इधर उधर नहीं होनी चाहिए और ना ही उन तक पहुँचनी चाहिए कि इससे पहले कि वो तैयार हो जाए वो वाली जो काओ है ना। कहती है तो कहती है अच्छा जी चलें ठीक है। काओ होती हैं लोमड़ी कहती है अच्छा चलें ठीक है। तो वो जनाब लोमड़ी जो है वो घर चली जाती है और जो लाइन होता है वो काओ के ख्यालों में घूम रहा होता है, हाय मैं सारी काओ को खा रहा हूँ, मज़े ले ले के वो ख्वाब देखता है, उसको हर ख्वाब में हर रोज़ नज़र आता है कि वो कभी एक काओ को खा रहा है। वो बड़ी मोटी होती हैं ना और काओ आपको पता है हेल्दी भी होती हैं क्योंकि वो ग्रास खाती हैं, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं ना तो वो बड़े ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो अगर हम भी ग्रास खाएंगे तो हम भी हम वो खाते नहीं ग्रास नहीं, हम लोग वो खाते हैं ना स्पेनिश खाते हैं या साग वगैरह खाते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है ना, उसमें कैल्शियम भी होता है। अच्छा तो वो जनाब उसको लोमड़ी को उन्होंने टाइम दिया होता है। तो लोमड़ी जो है ना वो सोचती है लोमड़ी बड़ी तेज, लोमड़ी बड़ा तेज जानवर है, उसको बड़ा चलाक बोलते हैं। तो अगले दिन ना लाइन के पास आती है, कहती है लाइन जी कहते हैं हाँ लोमड़ी बहन क्या सोचा आपने? लोमड़ी बेगम
क्या सोचा बताएं। तो अब लोमड़ी बेचारी को ये भी डर होता है कि कहीं अगर मैंने इसको ना कर दी ना तो ये मुझे खा भी सकता है, क्योंकि लाइन है, लाइन का तो कोई एतबार नहीं है। लेकिन लाइन ने वैसे उसको कहा था कि आप मेरी अच्छी फ्रेंड बन जाओगी, तो वो उसमें हौसला ज़रा बढ़ता है। कहती है कि मेरे ना जहन में एक आइडिया आया है कि अगर इन काओ को ना एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाए ना, तो ये लैदा लैदा भड़काया मतलब इनको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए, खिलाफ मतलब उनके बातें कि ये कहो जो है ना आपसे जलती है, ये ज़्यादा खाना खाना चाहती है, ये आपको दोस्त नहीं बनाना चाहती, इस तरह के अगर हम उनके माइंड में क्वेश्चन जो है ना वो डालेंगे ना, या इस तरह की बातें डालेंगे, तो वो कहो जो है ना उनका ग्रुप वो जो है वो शटर्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या होएगा कि वो कहो जो है उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी, और लाइन जो है वो सारी कहो भी खा लेगा, तो सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, वो क्या कहता है, वो क्या करती है, कहती है ये सारा आइडिया, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि सिर्फ ये एक ही हल है जिससे आप इन सारी काओ को ना खा सकते हैं। लाइन सोचता है, थिंकिंग करता है, करता है, आइडिया तो लोमड़ी बेगम अच्छा है, और इसी आइडिए से ये लोग लैदा लैदा हो सकती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि इनको लैदा लैदा करेगा कौन, तो क्योंकि मैं तो ये काम कर नहीं सकता, मेरे से तो वैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर देना है, तो वो कहती है ये काम मैं करूँगी। कहता है अच्छा लोमड़ी बेगम, ये तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा सारी ज़िंदगी के लिए, चलें आप देखते हैं कि आप किस तरह से, वैसे तो आप बड़ा मशहूर हैं जिस तरह मैं मशहूर हूँ कि मैं एक पावरफुल लाइन हूँ, इसी तरह आप भी मशहूर हैं कि आप एक कनिंग लूमड़ी हैं, तो देखते हैं कि आप किस तरह से करती हैं। कहती हैं अच्छा आप मुझे एक दिन का और टाइम दें, एक नहीं तो दो दिनों में ना मैं आपको फाइनल बता दूँगी। कहता है लोमड़ी बेगम जल्दी करें, मेरे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं है बोता, मेरा दिल करता है कि मैं फटाफट उनको खा लूँ। कहते अच्छा चलो सही है। दो दिन बाद ना लोमड़ी आती है, लोमड़ी उन सारी काओ के ना पास जा जा के उनको एक दूसरे के खिलाफ कर देती है, और फिर क्या होता है कि वो जो काओ होती हैं एक दूसरे के साथ ना लड़ना चारों शुरू हो जाती हैं। जब लोमड़ी देखती है ना कि अब मेरी जो दाल है वह यहाँ पर गल गई है, मतलब मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दी है, तो वो फिर ना बादशाह सलामत के पास, लाइन के पास जाती है। लाइन कहता है आओ भाई खुशखबरी लेके आई हो, मुझे यकीन है कि आप खुशखबरी के अलावा नहीं आई होगी। कहती है हाँ जी मैं खुशखबरी लेके आई हूँ, और वो काओ जो है ना सारी काउस जो है ना वो अब लैदा लैदा हो गई हैं, और उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई है, तो आप ना जब चाहे ना तो उनको खा सकते हैं, अब ये आगे आपका काम है। मैंने नहीं नहीं लैदा लैदा अकेली 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 अकेली, पहले चारों इकट्ठी रहती थी ना, तो ना अब ये आपका काम है, मैंने तो जितना करना था मैंने इतना कर दिया, इतना तो कोई रिस्क भी नहीं था ले सकता, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ना इतना बड़ा रिस्क लिया है। मैं कहता अच्छा ये तो आपने बड़ा अच्छा किया मेरे लिए, चलें ठीक है आगे मैं खुद जानूँ, और आपका और जब मैं शिकार कर लूँगा तो मैं आपके लिए वादे के मुताबिक आपका हिस्सा जो है वो आपको दे दूँगा। कहते चलो ठीक है। अच्छा जी, अगले दिन ना लाइन जाता है जहाँ पे कॉज जो है ना वो ग्रास वगैरह खाती हैं, तो वो देखता है कि वहाँ पर ना एक काओ होती है, बाकी तीन जो होती हैं ना वो बड़ी दूर दूर खाना खा रही होती हैं। जाता है लाइन आराम आराम से, तो पहले देखते हैं कि वो ज़्यादा दूर गई हैं कि नहीं, वो तीन सारी दूर दूर होती जाती हैं, और ये भी थोड़ा थोड़ा आगे जाती जाती है, लेकिन इसको फटाफट इसकी पहले गर्दन को पकड़ता है, और लाइन इसको इसकी डेथ कर देता है, फिर इसका जो वो होता है ब्लड वगैरह गोश्त वगैरह ब्लड पीता है और इसको गोश्त वगैरह खाता है, और थोड़ा सा इसको घसीट के अपने जो डैन होता है ना जो उसका गार होता है जहाँ पे रहता है वो खचार बोलते हैं उसको, उसमें ले आता है, तो वहाँ पे फिर उसको लोमड़ी को बुलाता है, कहता है ये देखो आपका आइडिया काम आया, और मैंने आज बड़े मज़े ले ले के इस कौ को ना पहली कौ को खा लिया। तो चूँकि इनके आपस में काओ की लड़ाई हुई होती है, तो किसी को एक दूसरे की फिर फिक्र नहीं होती कि कौन सी काओ गायब है, कौन सी काओ जो है वो खाना खा रही है, कौन नहाने जा रही है, कुछ नहीं पता होता।
तो इसी तरह फिर अगले दिन होता है तो वो दूसरी को भी ऐसे ही खाता है, फिर तीसरी को भी, फिर चौथी को भी, चारों को हो जाए ना वो आहिस्ता आहिस्ता खा लेता है, और इस तरह से उनका ग्रुप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और वो काओ जो है वो लाइन की बैनी में चली जाती हैं, और फिर जो उनकी जो मिसालें दी जाती हैं कि इनका ग्रुप बहुत अच्छा था और ये आपस में लड़ती नहीं है, तो इस तरह से वो लाइन की और लूमड़ी की जो फाइनल तरकीब होती है उससे उनका काम हो जाता है, तो लाइन जो है वो हैप्पी हो जाता है। तो इसका नाम था इस स्टोरी का यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अब आप बताओ कि आपने इस स्टोरी द स्ट्रेंथ, ये तो वो नहीं है जो स्टोरी में देखी थी, मुख्तलिफ स्टोरीज के लेसन होते हैं ना, हेडलाइन होती है, टॉपिक नेम होता है, तो ये उसका टॉपिक नेम था। अच्छा, इसको लेसन मिला, लेसन क्या मिला, लेसन मिला कि हमें कभी भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। और हम हमें ब्रेव होना, हमने हमें दूसरे के साथ रहना चाहिए, और हमें लाइन को गोली मारनी चाहिए नहीं। और इसमें हमें ये भी लेसन मिलता है कि जितना हम इकट्ठा रहेंगे ना, लाइन के फ्रेंड भी होते हैं, तो हम लाइन के फ्रेंडशिप हर दिन के लिए रहेगी। हाँ, जितना हम इकट्ठा रहेंगे ना, इतना ही लोग जो है ना वो हमसे वो रहेंगे, दूर रहेंगे कि हम इनको तोड़ नहीं सकेंगे, और अगर हम इकट्ठा रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा हर काम। अब वो चारों इकट्ठी रहती थी तो कोई जानवर नहीं था ना उनके ऊपर अटैक करता, तो लाइन ने सिर्फ अटैक किया, तो किस तरह से कि उनको लैदा लैदा करके, तो हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठे मिल के काम करना चाहिए, और कोई भी हमें कोई गलत बात के, चाहे आप रिलेटिव में रहते हैं, चाहे आप अपनी क्लास फेलोज के साथ रहते हैं, एक दे दो इसको, एक दे दो, चलो बैठ जाओ, पास बैठ जाओ। अच्छा जी, जहरी की बारी है, अब जहरी की आइलिंग करनी है, जहरी के तो सर में थोड़ी थोड़ी डैंड्रफ आई हुई है। अच्छा सुना रही हूँ, इधर इधर मुझे दे दो, रहना इधर रख देना आप भी। अच्छा जी, मैं जेरी को तो पहले स्टोरी सुनाने से पहले ना मैं बताऊं जेरी को कि जेरी आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बाबा को बोलो आपकी हेयर कटिंग करवा के लाएं फौरन, मुझे लंबे बाल लड़कों के अच्छे नहीं लगते। लड़के लड़कियां लगते हैं। मेरे टीचर कभी कभी कहते हैं वो जो होते हैं ना कुछ लड़कों के बड़े बाल होते हैं, टीचर कहते हैं अब आप ना आप कभी कभी ये कहती हैं कि आप लड़की लग रहे हो, कभी कभी कहती हैं कि आप ना कल पोनी काट के आना स्कूल से। ठीक है। अच्छा जी, करूँ अब मेरी मामा। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने लगी हूँ एक कवे की। कवे? एक ना क्रो होता है, ठीक है, एक कवा होता है, तो वो जुहेर अब आराम से सुनना स्टोरी। वो जो क्रो होता है ना, वो एक दिन ना बैठा होता है, तो ना वो जो होती है ना जो दरख्त होता है ना उसकी टहनी पे बैठा होता है, तो ना क्रो के ना दिल में पता नहीं क्या आता है, कहता अल्लाह ताला ने देखो मुझे कैसा बनाया है, मैं इतना काला हूँ, अपनी स्किन को अपने आप को देखता है ना, कहता मैं इतना काला हूँ, हर तरफ मेरा काला ही रंग है, अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कैसा बना दिया है, तो मुझे और भी तो रंग का होना चाहिए था ना। वो जेन में बैठ के ना सोच रहा होता है कि ये क्या मुझे किस तरह का बना दिया, तो अभी ना वो सोच रहा होता है तो सामने ना जो रिवर होता है ना उसके अंदर ना वो जो स्वान होते हैं ना, स्वान का पता है जो वाइट कलर के होते हैं, वे जैसे वो होता है बगला होता है, इसी तरह के स्वान भी होते हैं, तो वो वाइट कलर के होते हैं, उनका और कोई कलर नहीं होता, तो स्वान जो है ना बड़े मज़े से ऐसे तैर रहा होता है उसके अंदर ना रिवर के अंदर, तो उसकी ना नज़र उसके ऊपर पड़ती है क्रो की कवे की, तो स्वान को देख के कहता है वाओ ये कितना वाइट है, इसको कितना अच्छा लगता होगा कि इसका कलर वाइट है, इसका कलर ब्लैक नहीं है,
मेरा तो ब्लैक कलर अल्लाह ताला ने बना दिया है, तो मुझे तो अपने आप पे बड़ा चुप करके बैठ जाए, मुझे तो बड़ा ज़्यादा ना वो आ रहा है, अपने आप पे तरस आ रहा है और मुझे इस पे इतना रश्क आ रहा है, रश्क मीन कि मुझे इतना फील हो रहा है इस तरह से, मैं जेलस हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों नहीं वाइट बनाया। तो ना स्वान के पास जाता है उड़ के और जाके कहता है स्वान स्वान भाई स्वान भाई, वो कहते हैं हाँ जी क्या हाल है कवे भाई आप ठीक हैं, वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ स्वान भाई, मैंने ना आज आपसे ना ज़रा एक बात शेयर करनी है। स्वान कहता है करो मेरे प्यारे पैरट भाई, क्या बात आप शेयर करना चाह रहे हैं। कहता है मैं ना आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि ना अल्लाह ताला ने आपको इतना वाइट बनाया, आपको कितनी खुशी होती होगी, आप अपने आप को देखते होगे कि मेरा इतना वाइट कलर है, तो आपको तो अपने आप पे प्राउड फील होता होगा। स्वान कहता है कवे भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। कहते हैं इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ब्लैक बनाया है, मेरे मुझे तो और कलर कोई कलर नहीं दिया, मुझे वाइट कलर इतना पसंद है कि मेरे पास वाइट कलर होना चाहिए था। तो स्वान कहता है ऐसे नहीं सोचते हैं, तो देखें अगर आप आपने तो मुझे भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो पैरट होता है, मैं तो पैरट को एक दिन देख रहा था ना, तो मुझे बड़ा रश्क आया उस पर, मैंने बड़ा ज़्यादा जेलसी फील की कि मेरा कलर भी काश पैरट जैसा होता। पैरट की पता है को पैरट के दो कलर होते हैं, रेड और ग्रीन, बड़े प्यारे दो कलर होते हैं पैरट के ना। तो कहता है मुझे तो ना पैरट पैरट पे इतना रश्क आता है कि वो अल्लाह ताला ने उसको कितना प्यारा बनाया, मेरे पास तो एक ही कलर है वाइट और मैं वाइट कलर से बोर हो गया हूँ, मुझे इसमें कोई इतनी चार्म नहीं नज़र आता और ना ही मुझे कोई प्राउड फील होता है, तो आपको ही नज़र आता होगा मुझे तो पैरट इतना पसंद है, कितना प्यारा लगता है, इसके दो कलर हैं, कभी वो रेड देखता है कभी वो वाइट ग्रीन देखता है और कितना प्यारा लगता है ना। तो जो कवा होता है वो परेशान हो जाता, कहता है मैं तो इससे जेन में सोचता, मैं तो इससे जेलस हो रहा था, तो इसने तो आगे मुझे पैरट का बता दिया, अब तो मैं पैरट से भी जेलस होना शुरू हो गया हूँ। तो वो जेन में सोचता है यार पैरट कितना भी खुश होता होगा, कभी वो ग्रीन कलर को देखता है, कभी अपने वो रेड कलर को देखता है, कभी ऐसे फ्लाई करता है, उसके जब फ्लाई करता होगा तो उसके दोनों कलर कितने प्यारे लगते होंगे। तो वो ना ऐसे सोच रहा होता, तो फिर कहता अच्छा चलो ऐसे करते हैं, मैं ना पैरट के पास जाता हूँ, वो पैरट को जाके कह कहता हूँ कि पैरट आपका तो कितने प्यारे कलर हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतने प्यारे कलर दिए हैं, मैं भी बड़ा आपसे वो फील करता हूँ, आपके ऊपर रश्क करता हूँ, और वो जो स्वान है ना वाइट कलर का वो भी करता है, तो मैं जाके उससे शेयर करके आता हूँ और अपने दिल का हाल भी उसको जाके सुना के आता हूँ। तो ना जाते हैं पैरट के पास, स्वान भी जाता साथ, तो उसको जाके सारी स्टोरी बताते हैं। तो पैरट जो है ना, पैरट उन दोनों की तरफ देखता है, कहता है आप दोनों ऐसे क्यों फील कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि मेरे पास दो कलर हैं, आप दोनों के पास तो एक के पास ब्लैक है एक के पास वाइट है, मेरे पास ग्रीन और रेड है, बस ये दो कलर है मेरे पास, और भी तो कलर होने चाहिए थे, ये भी तो ज़िंदगी है, इंसान के पास सिर्फ दो ही कलर हों तो आप लोगों को तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। मैं जब पीकॉक को देखता हूँ ना, पीकॉक का पता है मोर को, जब मैं मोर को देखता हूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा फील करता हूँ जेलसी कि पीकॉक के पास तो मल्टी कलर हैं, हर कलर है उसके पास, वो जिस तरफ से मर्जी और वो इतना प्यारा लगता है, मुझे तो उससे बड़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। और फिर मैं अपने जहन में सोचता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पास भी इतने ज़्यादा मल्टी कलर होते जी जानी बड़े मुझे स्टोरी तो कंप्लीट कर लेने दो बेबी, फिर एंड में कर लेना ना, आप सुन रहे हैं ना स्टोरी में क्या सुना रही हूँ, क्या सुना रही हूँ बेबी, क्या सुना रही हूँ, जायना ने सुनी है। अच्छा तो वो कहते हैं, तीनों कहते हैं अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि हम ना मोर के पास चलते हैं, मोर को जाके देखते हैं कि मोर कितना खुश होता होगा, उसके पास वाइट कलर भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, उसके अलावा पर्पल भी है, हर कलर है, पिंक भी है, हाँ उसके पास तो हर कलर है,
कि उसकी लाइफ तो कितनी खूबसूरत होगी, वो जिस कलर को देखता होगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता होगा कितना है, कितना हैप्पी हूँ अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा बनाया है। तो वो ना जाते हैं जू में, तो ना जू में जाते हैं तो देखते हैं कि पीकॉक जो है वो जू ही बाहर आता है अपने घर से, जो उसका वो पिंजरा बनाया होता है केज से बाहर, केज में ही होता है बंद होता है, लेकिन जब अपने वो घर से बाहर आता है तो लोग उसको ना कैमरे से शूट करना शुरू कर देते हैं, उसकी पिक्चर्स लेना, उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। और पीकॉक जो है कभी ऐसे करके दिखाता है, कभी ऐसे करके दिखाता है, फिर डांस करके दिखाता है और लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और पीकॉक बड़ा हैप्पी नज़र आता है। तो ना ये जो है ना ये सारे ये तीनों बड़े हैं ना वो उसको बड़े देख रहे होते हैं प्यासी नज़रों के साथ कि कितना प्यारा लग रहा है और अल्लाह ताला ने इसको कितना प्यारा बनाया है। जब लोग चले जाते हैं ना तो वो ना पिकअप के पास जाते हैं तीनों, तो कहते हैं क्रो, पहले कहता है क्रो कहता है कि ना आपको ना अल्लाह ताला ने कितना प्यारा बनाया, देखिए मेरे पास एक कलर है, मेरे पास एक कलर है वो भी ब्लैक, ब्लैक भी कोई कलर होता है, मैं अपने आप को देखता हूँ मैं हर वक्त काला लगता हूँ, मुझे और कलर भी पसंद थे। फिर मैंने स्वान की तरफ देखा तो स्वान के पास वाइट कलर है, मुझे वो बड़ा पसंद आया, मैंने कहा वाह। फिर मैंने स्वान की तरफ देखा तो स्वान ने कहा मुझे तो पैरट पसंद है कि पैरट के पास दो कलर है। मैं पैरट के पास गया तो पैरट ने आगे से मुझे आपका बताया कि आपके पास तो इतने कलर हैं। तो मेरे जहन में आया कि मैंने कहा यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगता था कि मैं अपने कलर से परेशान हूँ लेकिन ये लोग भी परेशान हैं और आपके पास तो इतने कलर हैं, आप तो हम में से किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते होंगे, आप तो बड़े हैप्पी होते होंगे, आपके पास हर कलर है, चाहे वो वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, वट एवर, हर कलर है आपके पास। तो आपको कितना अच्छा लगता है अल्लाह ताला ने आपको हर कलर दिया। पिकअप कहता है क्रो भाई आप कितने मासूम हैं, आपको नहीं पता आप मेरे पास आए हैं ना, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरा कभी दिल करता था कि मैं आप मुझे मिले और मैं बताऊँ। वो कहते हैं वो क्या आप अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं कि आपके पास, कहते हैं नहीं यार आपको पता है मुझे इन लोगों ने पिंजरे में बांध रखा है, मैं उड़ नहीं सकता, आप तो उड़ सकते हो, कभी वहाँ जा सकते हो, कभी इधर जा सकते हो, मुझे तो सिर्फ इस पिंजरे में रखा है, मैं बाहर निकलता हूँ नाच के दिखाता हूँ तो लोग मेरा शूट करते हैं, उसके बाद तो मेरी कोई वक्त ही नहीं रहती, ये मेरे इतने कलर बेकार हैं, तो मैं तो अपने घर में वापस चला जाता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए घर बनाया, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, एक ही जगह मैं चलता फिरता हूँ और खाता हूँ पीता हूँ, लोग आते हैं मुझे देखते हैं और ये केज वाले जो हैं जो जू वाले हैं वो बस मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते, मेरा दिल करता है मैं उड़ के सारी दुनिया देखूं, कभी इधर जाऊं कभी इधर जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करूं। आप तो इतने लकी हैं, अल्लाह ताला ने देखे आपको इतना प्यारा कलर दिया, आप जहां मर्जी जाते हैं आप अपने बच्चों के लिए खाना, तो आप तो मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। कहता है हाँ ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। तो वो कहता है यार अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है लेकिन हम सारे जो है ना हम सारे इसी तरह के हैं, हम ये कहते हैं कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, तो हमें अल्लाह ने जो दिया ना यार हमें उसी के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है तो मेरे पास वो नहीं है, जैसे भी अल्लाह ने बनाया है ना तो उसमें हमें खुश होना चाहिए। तो आप आइंदा से ऐसा ना सोचना, तो देखो आपने मुझे भी मेरी भी दिल की ख्वाहिश थी जो कि मैंने हाँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो लेकिन जब मैंने आप लोगों की बात करता है वो नहीं ना उसको बाहर नहीं ना निकलने देते, उसको पिंजरे में ही रखते हैं और बाकी सारे जो बर्डीज होते हैं वो तो उड़ सकते हैं ना, पैरट भी दरख्तों पर रहता है और अगर उसके पास दो कलर हैं तो वो बातें करता है जी मेरे पास इतने कलर नहीं है, जो सामान होता है वो भी करता है कि मेरे पास एक ही कलर है और मैं बोर हो गया हूँ, जो कवा होता है वो सबसे ज़्यादा ही वो अपने आप को समझता है कि मेरे पास तो इतना काला रंग है और बुरा, अल्लाह ताला ने सारे प्यारे रंग बनाए हैं ना, तो जिस जिस के पास जाता है हर बंदा दूसरे के साथ अपने आप कॉम्पिटिशन में। अच्छा जानिए मुझे हाँ।